तो हमने हैंडमेड पेपर लिया है और हैंडमेड पेपर A4 साइज का है और उस पर हमने ग्रिड मेथड से स्क्वायर बनाया है और आउटलाइन निकाल लिया है। तो जो भी आउटलाइन है, जो ग्रिड मेथड है, ग्रिड स्क्वायर, तो हमें उसे इरेज करना है कि वाटर कलर करते समय जो भी ग्रिड है वो दिखे ना, क्योंकि वाटर कलर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आपके बैकग्राउंड में पेंसिल है तो आउटलाइन किया हुआ है तो वो वाटर कलर में दिखता है, तो आपको पहले जो पेंसिल से आउटलाइन किया उसको थोड़ा हल्का कर देना है या तो लाइटली बनाना है। तो अभी हम वाटर कलर स्टार्ट करते हैं। तो वाटर कलर स्टार्ट करने के 3 से 4 स्टेप होते हैं, लाइट को डार्क जाने का होता है। तो गाइस, आप सभी ना जब भी वाटर कलर करें, फर्स्ट टोन हमेशा लाइट दे, फिर डार्क, फिर धीरे धीरे डार्क करते जाए, जिससे वाटर कलर एकदम प्रोपोर्शन में होगा। तो मैं फर्स्ट टोन दे चुका हूँ, अभी सेकंड टोन देने जा रहा हूँ। और आपका जब वाटर कलर का एक पैच हो जाए और वो सूख जाए, तब आपको सेकंड लेयर स्टार्ट करना है, नहीं तो वो स्प्रेड होने लगेगा वाटर कलर। तो आपको सेकंड टोन अच्छे से देना है और एकदम पेशेंस के साथ करना है, घाई नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे तो आपको एक एक टोन ध्यान से देना है। तो ये सेकेंड लेयर भी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी थर्ड लेयर स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी डेप्थ एरिया है वहाँ पे डार्क करते जाना है। तो गाइस, जितना भी ये सब ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर से मैंने पोर्ट्रेट बनाया। जहाँ पे भी लाइट और डार्क करना है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क करते जाना है। और जो डेप्थ एरिया है आईज, नोज, लिप्स के, वहाँ पे थोड़ा डार्क करना है। और आईज में थोड़ा ऑरेंज और पैनिक ब्लैक मिक्स करना है। अब जो भी कलर फेस पे मारते हैं उसी का मिक्स होना चाहिए, प्योर ब्लैक या पैनिक ब्लैक नहीं मारना चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर सूखने के बाद हम थर्ड लेयर पे आ गए। तो जो भी आउटलाइन है उसको ध्यान से बारीकी से करते जाना है। तो ये रिफ्लेक्टेड है, शेडो, आपको सब उस पर अच्छे ध्यान से बनाना है, तभी आपका जो फोटो एकदम रियलिस्टिक लगेगा फोटो के अकॉर्डिंग। अगर आप फोटोग्राफ से देख के बना रहे हैं या फोन से देख के बना रहे हैं, तो आप पे निर्भर करता है आप किस तरह से बना रहे हैं। तो गाइस, आपको ब्रश उसके अकॉर्डिंग लेना है। जहाँ अगर आप बड़े एरिया पे कर रहे हैं तो आपको बड़े साइज के ब्रश, और अगर आईज हो, लिप्स हो, तो आप छोटे साइज के ब्रश यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 1 नंबर का ब्रश लिया है आईज के लिए। अगर आप बड़े साइज के ब्रश यूज करेंगे तो वो फैल जाएगा, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये 1 नंबर का ब्रश है जिससे मैं बारीकी से कर रहा हूँ। अगर आपका अगर फेस कंप्लीट हो जाए, फिर आपको बैकग्राउंड की तरफ आना है, जैसे कि साड़ी है और हेयर है, आपको पहले फेस को कंप्लीट कर देना है। क्या है कि सबका अलग अलग तरीका होता है, कि कोई भी आई से स्टार्ट करता है या कोई हेयर से स्टार्ट करता है फर्स्ट टोन, या तो कोई बैकग्राउंड पहले कलर करने के बाद फिर फेस की तरफ आता है। तो ये तो आपका सब देखने का और स्टाइल होता है। तो जो भी शेडो है उसको थोड़ा और डार्क करके, तो ये ब्राउन है जो नीचे की तरफ है, ब्राउन प्लस ऑरेंज। तो हम लोग ब्लैक पहले ग्रे कलर मार सॉरी तो पहले हम ब्राउन कलर मारने के बाद फिर इसमें पैनिस ब्लैक यूज करेंगे। जब आपका वो सूख जाए टोन, फिर आप सेकेंड लेयर मारे, नहीं तो वो स्प्रेड होने लगेगा। अभी हम हेयर कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं। तो हमने बड़े साइज का ब्रश लिया है और ओनली वाटर में थोड़ा सा येलो मिक्स करके वॉश दे रहे, जिससे वो पूरा फैल जाए। और बाद में जब आप कलर छोड़े
तो पूरा स्प्रेड होने लगे। तो गाइस आपको इस पे इतना ध्यान नहीं देना है बैकग्राउंड पे। तो जो भी शेडोज उसको डार्क करके जाना है, तो ये कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख के बता देना कि आपको कैसा लगा। वाटर कलर में बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था इसमें, मिलते हैं ऐसे एक्साइटिंग और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।